नमस्कार दोस्तों, आयुर्वेदा अमृता नाम में डॉक्टर विशाल शर्मा आप सभी का सहृदय स्वागत करता हूँ। दोस्तों, एक ऐसी बीमारी जिससे हर व्यक्ति आज ग्रसित है, खासतौर से वात रोगों से। वात रोगों में ज़्यादातर जॉइंट पेन हुआ या ये वात रोगों में आता है, आपके फेसर पैरालिसिस हुआ वात रोगों में आता है, हनुस्तम हुआ, टेटेनस के रोग होते हैं वात रोगों में आते हैं, आपका कई जीवा आपका जीभ का पैरालिसिस हो जाता है वो वात रोगों में आता है। ऐसे बहुत सारे वात के जो सबसे भयानक रोग हैं वात के, उसको रोकने के लिए एक ऐसी मेडिसिन के विषय में आपको बताऊंगा जो इन सब चीज़ों को रोकती है। हालांकि और भी मेडिसिन्स हैं जो वात रोगों पर काम करती है, पर ये मेडिसिन एक ऐसी है जो वात पर भी और आपके सांस रोगों पर भी काम करती हैं। दोस्तों, इस मेडिसिन का नाम है, जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ा है, समीर पन्नक रस। समीर पन्नक का मतलब है, समीर मतलब होता है वायु, यानी स्वाभाविक है इसके नाम वात के स्थान के नाम पर ही इसको रखा गया, यानी वायु के नाम पर ही रखा गया। वायु का एक पर्याय है समीर। तो आज हम इसके विषय में, इस मेडिसिन के विषय के घटक द्रव्य, इस मेडिसिन की विषय में और भी चीज़ें जानने के लिए हम इस मंच पे आए हैं और आपको बताएंगे कि और क्या क्या इस मेडिसिन के विषय में जो आपको अध्ययन करना चाहिए, आपको इसका उपयोग करना चाहिए, उसके विषय में पूरी बातें मैं आपको डिटेल में इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो शुरू से आखिरी तक इस वीडियो में बने रहिएगा, और आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग हमारी वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो शुरू करते हैं हम आज समीर पन्नक रस के घटक द्रव्य। जैसे कि डिस्प्ले पर देखिए लिखा हुआ है, घटकव्य द्रव्य लिखे हुए हैं समीर पन्नक के शोधित पारा, देखिए पारा देता है इसमें, शोधित गंधक, शोधित सोमिल, शोधित हरिताल और कुमारी सुरस का प्रयोग किया गया है इसमें। इस तरह से हमने समीर पन्नक रस घटक द्रव्य तैयार किए हैं। आयुर्वेद सार संग्रह का ये प्रयोग है जो किताब में मिलता है जनरली। और इसके अलावा देखिए, जैसे कि इसमें लिखा है तीक्ष्ण उष्ण कफ वात नाशक। देखिए तीक्ष्ण है मतलब ये देख स्वाभाविक स्वाभाविक है कि ये गर्म भी है, तीक्ष्ण है, उष्ण है, और कफ का शमन कर रहा है और वात का शमन भी कर रहा है। ये इसमें खासियत है विशेष रूप से, जो हमें समझने लायक है, जानने लायक है, जो कि किस तरह से काम कर रहा है। और देखिए आप आगे, क्योंकि मलकल्प होने पर भी ये अन्य मलकल्पों की अपेक्षा तीव्रता एवं तीक्ष्णता कम होने से श्वास वाहिनी की त्वचा में बिना शोथ उत्पन्न किए कफ होने से सहायक होता है और प्राण की गति प्राकृत होने से मदद करता है। वात रोगों में स्तंभ संकोच शूल होने पर भी समीर पन्नक विशेष लाभदायी होता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया अभी कि इसमें देखिए श्वसन संस्थान पर भी काम कर रहा है और आपके वात रोगों में जितने भी वात रोग हो रहे हैं उस पर भी काम कर रहा है, क्योंकि आपकी जितने भी पैरालिसिस जैसी समस्याएं हैं उन पर भी ये काम कर रहा है। तो ये अपने आप में एक अलग टाइप की मेडिसिन है। आप अभी तक की मेडिसिन के रिव्यू में से सबसे ज़्यादा जो चमत्कारिक बात इसी में सुन रहे हैं। दूसरी, ये तीक्ष्ण होती है उष्ण होती है इसलिए लगता है बिना त्वचा में शोध किए, यानी आप अपनी मेडिसिन अगर ले रहे हैं तो बिना शोध किए ये मेडिसिन अपना काम कर रही है, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है इसकी। अब इसके उपयोगिता देखिए, जैसे कि लिखा है जीर्ण श्वास कास, देखिए कास पर काम कर रही है, जीर्ण श्वास पर काम कर रही है, स्वाभाविक है ये अस्थमेटिक जितने भी अटैक होते हैं उन पर ये काम कर रही है। और वात कफज, यानी वात भी और कफज भी, क्योंकि ये वात कफज है यानी वात को भी शांत कर रही है और कफ को भी शांत कर रही है। कफ को शांत करेगी क्योंकि ये उष्ण है यानी इसमें पित्त बढ़ा हुआ है, यानी अग्नि प्रधान औषधि है ये, तो इसलिए काम कर रही है, इसलिए लिखा है इसमें वात कफज। अब श्वास हिक्का, बहुत जो श्वास रोग होते हैं यानी श्वास संबंधित सदा देखिए अस्थमेटिक हुए, तमक श्वास हुए, इन सबसे बीमारियाँ जो रहती हैं वो इसके लिए विशेष रूप से ध्यान दिया जा रहा है। तो सन्निपातक ज्वर, ज्वर पर काम कर रहा है, सन्निपातक ज्वर भी यानी वात पित्त कफ की वजह से होता है, तो ये भी क्या है कि एक तरह से वात की बहुलता रहती है और पित्त की बहुलता और कफ की बहुलता के कारण ये कफ रोग होता है, तो सन्निपातक ज्वर पर भी ये काम करेगा। फिर तमक श्वास, नहीं आप स्वाभाविक है तमक श्वास का मतलब ही है अस्थमा। फिर पक्षाघात, पक्षाघात आपका कहलाता है आपका पैरालिसिस, कई पैरालिसिस की प्रॉब्लम होती है उसको, उस पर काम कर रहा है। इसके बाद आपका अपतानक, वही अपतानक हनुस्तम, ये भी आपका ये पैरालिसिस के एक प्रकार हैं, टिटनेस के रोग, जो टिटनेस के रोग होते हैं उनका प्रकार है। बाद वो जीवा स्तंभ, अर्धित जीवा स्तंभ भी आपका जो जीभ का पैरालिसिस होते बोल नहीं पाते कोई लोग वो, और आपका अर्धित यानी फेशियल पैरालिसिस में ये काम करता है, जबका चेहरा जो है एक तरफ से पैरालाइट हो जाता है जैसे बहुत सारी बीमारी में होता है, उस पर भी काम कर रही है ये। अब इसकी उपयोगिता के समय में एक विशेष ध्यान जो है वो रखना चाहिए, जैसे कि ये कहते हैं कि पित्त प्रधान, यानी ये किसी को बहुत ज़्यादा गर्मी लगती हो ऑलरेडी वो पित्त प्रकृति का हो, ये वैद्य डिसाइड करेगा कि वो पित्त प्रकृति का है कि नहीं है, वो आप लोग डिसाइड नहीं कर पाएंगे। बेसिकली मैं उसके लक्षण बता देता हूँ, पित्त प्रधानता जैसे गर्मी बहुत ज़्यादा लगना, बहुत ज़्यादा हीटिंग अंदर से प्रोड्यूस होना,
और स्वेटिंग जैसे कि मैंने बताया, और बहुत ज़्यादा गुस्सा आना, जैसा कि इसमें बताया कि पित्त की प्रधानता, जैसे कि पित्त के मैंने गुण जो आपको बताया, इसके बाद रक्त की प्रधानता। अब रक्त के गुण से कई ब्लड वेसल्स में आपका बहुत ज़्यादा उभार है, या फिर आपको कहीं रक्त दो चोरा यानी रक्त की आँखों में आपका ब्लड कभी दिखता है खून उतर आया ना आँखों में, इस तरह की बीमारी यानी पित्त से ही संबंधित है पूरा। और रक्त दोष जो रहते हैं, जैसे कि आपको त्वचा के रोग से संबंधित कोई रोग है, ये भी रक्त की दृष्टि से ही होते हैं, पित्त की दृष्टि से होते हैं। तो ये सब रोगों में ये इसके बता गया, इनमें ये उपयोग नहीं करनी चाहिए। ऐसा सिर्फ वैद्य डिसाइड करता है, या आप लोग को समझ में आए ये लक्षण है तो ये हमें मेडिसिन बिना किसी वैद्य के कंसल्ट के नहीं लेना है, ये विशेष रूप से ध्यान रखना। फिर इसके बाद जैसे कि इसमें मात्रा अनुपात देखेंगे, आप मात्रा अनुपात देखेंगे तो 30 से 60 मिलीग्राम दिन में 2 से 3 बार शहद और अदरक सुरस के साथ, शहद के साथ क्योंकि शहद कफ को शमन कर रहा है, अदरक सुरस यानी ये अदरक और नागवेल पत्र के सुरस के साथ इसको लेना है। तो इसकी जो उपलब्धता है 5 से 250 ग्राम तक आती है, अलग अलग कंपनियां बनाती हैं, धूप अपेश्वर बनाती है, वैद्यनाथ बनाती है, और भी कई बहुत सारी ऊर्जा कंपनी और बहुत सारी कंपनियां इसको बनाती हैं, आप कोई भी कंपनी का यूज़ कर सकते हैं, ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। और बाकी इस मेडिसिन को लेने से पहले एक बार अपने चिकित्सक को जरूर एक बार कंसल्ट कर लें, दिखा लें, क्योंकि सावधानी पूर्वक रस और कूपी पक्व रसायन है, इसको लेने में थोड़ा सावधानी बरतनी पड़ती है। तो दोस्तों इसी के साथ मैं वीडियो को विराम देता हूँ, और अगली बार नई मेडिसिन के संग आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि आप लोग मेरे वीडियो देखते हैं लेकिन आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों ताकि मेरे चैनल को सपोर्ट मिल सके। अब इसी के साथ मैं आप लोगों से आज्ञा चाहता हूँ दोस्तों, धन्यवाद।